दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमें इंसानियत सिखाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, प्रेम का वातावरण बनाने वाला, मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थ चाश नियमों पर चलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय परोसते हैं, बासी विषय नहीं परोसे जाते हैं, प्रतिदिन नया विषय। इसी क्रम में आज का विषय है, एक बहुत बड़ी शुद्धिकरण का विषय है। वो विषय आज का हमारा विषय है, चुनाव शुद्धि। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है हमारे सामने, एक चुनाव और एक सिद्धि, शुद्धि। अब देखिए, चुनाव का अर्थ होता है चयन करना, सेलेक्ट करना, और शुद्धि का अर्थ होता है सबसे अच्छा शुद्धिकरण करना, सबसे अच्छी चीज को सेलेक्ट करना। ये चुनाव शुद्धि कहलाती है। ये हर एक पर अप्लाई होता है, व्यक्ति पर अप्लाई होता है, व्यंजनों पर, खाने के व्यंजनों पर अप्लाई होता है, रहने के स्थानों पर अप्लाई होता है, अच्छे स्टूडेंट्स पर अप्लाई होता है, अच्छे संत पर अप्लाई होता है। यानी हमारे सामने विकल्प है। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट है, उसमें से हमको चुनाव शुद्धि यानी हमको चुनाव करना है, इन सब में सबसे ज़्यादा मेरिट वाला, सबसे एबल स्टूडेंट कौन सा है, सबसे चरित्रवान स्टूडेंट क्या है, वो सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन जो आज मेरा स्पेसिफिक जो चुनाव शुद्धि का अर्थ है कि हमारा भारत है वो एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि अकेली भारत की जो जनसंख्या 125 करोड़ है, वो 7 अरब की जनसंख्या का 125 करोड़ से हम संबंध बिठाए हैं, तो हम 20% जो है हम अकेले भारतवासी है। यानी विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम कितने बड़े विशाल के देश लोग, कितने बड़े देश के निवासी हैं, और हमने एक ऐसे देश के अंदर जन्म लिया है जो कि धर्म गुरु देश रहा हुआ है, जो कि सोने की चिड़िया रहा हुआ है, और यहाँ पर हमेशा मूल्यों को स्थान दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है, यहाँ समन्वय को, प्रेम को, भ्रातृत्व को और सभी मूल्यों को, अच्छे अच्छे गुणों को स्थान दिया गया है। और आज विश्व भी जानता है कि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक चाहते हैं कि भारत का जो डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है, डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, एक आइडियल व्यवस्था, एक आदर्श व्यवस्था है, वो आदर्श व्यवस्था हर देश अपने आप ही लागू करना चाहता है। तो इसीलिए मेरा जो आज का विषय चुनाव शुद्धि का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ जो चुनाव किए जाते हैं, शुरू से प्रारंभ से वार्ड पंच लीजिए, उसके बाद में सरपंच का लीजिए, उसके बाद के अंदर जो है हमारे एमएलए का लीजिए, एमपी का लीजिए, और आपके जो है वो राष्ट्रपति का लीजिए, प्रधानमंत्री किसी का भी लीजिए, जो मुख्य रूप से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ की हमारा 5 वर्ष का जैसे शासन चलता है राज्य के अंदर या देश के अंदर और हमारे जो पंचायतों के अंदर, तो वहाँ पर जो है हम कैसे व्यक्ति को सरपंच चुने, हम कैसे व्यक्ति को एमएलए चुने, कैसे व्यक्ति को एमपी चुने, हम कैसे व्यक्ति को जो है वो राज्यसभा का जो है सांसद चुने, तो इस और यही लोग आगे जाकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी मूल जो है वो हमारी ये चुनाव पद्धति है, और ये चुनाव पद्धति हर 5 साल के बाद के अंदर लागू होती है। 5 साल तक राजकाज चलता है, 5 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो हमें चुनाव करना है कि ऐसे व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए राज्य के अंदर एमएलए के रूप में, एमएलसी के रूप में, या जो लोकसभा के अंदर एमपी के रूप के अंदर भेजाना चाहिए, राज्यसभा के अंदर जो है वो राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जाना चाहिए। उसके चुनाव के अंदर जो है वो शुद्धिकरण होना चाहिए, वो बात मैं कहना चाहता हूँ। शुद्धि का अर्थ ये है कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को, जो हमारी पार्टियाँ बनी हुई है, उन पार्टियों को देखना होता है, क्योंकि पार्टी टिकट देती है, बाकी निर्दलीय तो अपनी इच्छा से खड़ा हो जाता है, तो सबको खड़ा होने का अधिकार है। तो जो पार्टी है उनको चुनाव शुद्धि के फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए जो कि
चरित्रवान हैं, उस पर कोई मुकदमे नहीं चलते हैं, वो सोसाइटी का शोषण नहीं करता है, सोसाइटी के अंदर भेदभाव नहीं लाता है और सोसाइटी के अंदर कोई असामाजिक तत्व है, यानी वो सोसाइटी का भला करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम टिकट देंगे और ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा तो वो समाज का भला करेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भला करेगा, और इस तरीके से भले MLA लोग ज़्यादा हो जाएंगे, भले MP लोग ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमारा शासन अच्छा चलेगा और 5 साल का पीरियड है उसके अंदर उसमें खूब विकास होगा और निष्पक्षता से होगा। अब चुनाव जो है ना शुद्धि के लिए अर्थ क्या है कि कई बार क्या होता है कि पार्टियों के अंदर कुछ जो लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है, तो पैसों के आधार पर जो ज़्यादा पैसे वाला होता है वो चुन लिया जाता है। उससे होता क्या है कि वो पैसे के बल पर जो है जो टिकट लेकर के आता है और वो चुन लिया जाता है, उस पैसे को उसको बिजनेस बना देगा। वास्तव के अंदर ये जो MLA और MP के और जो सरकारें बनती है, हमारे देश की आज़ादी के बाद के अंदर ये तय किया गया है कि ये जो हमारी जो सत्ता है, हमारा देश है, ये लोकतंत्र है, वो प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा से होना चाहिए। यानी सब कुछ मुख्य प्रजा ही है, इसका संचालन करने वाली प्रजा ही है, इसका मालिक जो है अधिकार है पूरी प्रजा को है, और भारत की पूरी प्रॉपर्टी जो है प्रजा की है, मूविंग इमूविंग जितनी, मूवेबल इमूवेबल जितनी प्रॉपर्टी है सब प्रजा की है, हम सभी की है। वो ट्रस्टीशिप होनी चाहिए, वो सर्वोदय का सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है सभी उसमें साझेदार हैं, किसी एक का या किसी एक वर्ग का जो है उसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सब कब होगा, न्याय कब होगा, कि चुनाव शुद्धि की जाएगी, पैसे के बल पर जो वोट नहीं दिया जाए, पैसे के बल पर जो है वो चुनाव नहीं किया जाएगा, और उसके साथ जाति के समीकरण के आधार पर जो है चुनाव नहीं, टिकट नहीं दिया जाएगा, चरित्रवान व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ये चुनाव, मतलब टिकट देने की बात होती है, उसके बाद के अंदर जब वोटिंग होती है, उस वक्त के अंदर भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से जो पैसे वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मतदाता को खरीद लेते हैं, पैसों का लोभ दे करके, लालच दे करके, और वो अपने वोट जो है भुना लेते हैं। तो हमें एज ए पब्लिक जो है अवेयर रहना चाहिए कि मताधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसने भारत में जन्म लिया है, जो भारत का नागरिक है उसको मत देने का अधिकार है। क्यों कि सरकार कौन बनाता है, सरकार जनता बनाती है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता से संचालित होने वाली है। तो जब हमारी चीज़ है तो बड़ा सावधानी से हमें ये चिंतन करना चाहिए कि 5 साल तो चलने वाली सरकार है वो अच्छी सरकार होनी चाहिए, गुणवान सरकार होनी चाहिए, जो कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके, विकास कर सके, और हर नागरिक को जो बेसिक फैसिलिटी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है, वो अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए, उसके अंदर किसी को भी जो है अभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था जो होनी चाहिए। तो चुनाव जब वोटिंग आते हैं उसके अंदर कितनी कितनी बुराइयां चलती है उसका मैं आपको थोड़ा जायजा देना चाहता हूं कि एक तो पैसे के आधार पर वोट खरीद लिए जाते हैं, और चुनावों के कुछ दिन पूर्व तक जो है कुछ लोग शराबी होते हैं, उनको शराब पिलाया जाता है, और कुछ लोग उनको कपड़े वगैरह बांटे जाते हैं, उसके साथ साथ में कईयों को जो जाति विशेष को, मौले विशेष को जो है ये प्रलोभन दे दिया जाता है, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, कि आपके यहाँ बिजली पहुँच जाएगी, आपके यहाँ सड़क पहुँच जाएगी, आपके यहाँ जो ये सुविधा दे दी जाएगी, आपके गांव में ये सुविधा हो जाएगी, आपके शहर में ये सुविधा, ऐसा भी प्रलोभन दिया जाता है। और वो इम्प्लीमेंट करना तो पूरे सरकार के हाथ में है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता है, और सही तरीके से प्रयास किया जाए तो जनता का पैसा जनता के लिए ही है तो काम तो होता ही है। तो ये चुनाव के अंदर ये बुराई है, इन बुराइयों को रोका जाना चाहिए, छोटे से हमारे स्वार्थ के कारण इस हम बुराई से अगर वशीभूत हो जाते हैं तो गलत आदमी जो है चयनित हो जाता है, और वह व्यक्ति जो है 5 साल के अंदर हमारा कोई भला करने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे MLAs MPs को हमने देखा कि चुनाव के समय हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, किसी न करी तरीके से अपना मतलब निकालने के लिए, चुनाव जीतने के लिए
सभी हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत के जाते हैं तो कभी भी वो जनता के बीच में जनता की शिकायतों को सुनना, जनता के बीच के अंदर बैठना, जनता का सुख दुख दर्द बांटना और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में सलाह करना, उनके बारे के अंदर जो है सुधार करना, उनको आगे सरकारों को बताना, उनके लिए बजट लाना, इम्प्लीमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ा रहना चाहिए। जितने भी हमारी ये चुनाव जीत करके एमएलए एमपी सरपंच जो कोई भी जीत करके आते हैं वो समाज के द्वारा, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो उनको वो जनता के मातहत हैं, वो जनता के सेवक है, तो उस रूप से वो थिकली दे शुड बी एसोसिएटेड विद द पब्लिक एंड दे शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर देयर विद द पीपल, द पीपल ऑफ द विलेज, पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर मोहल्ला, पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी, व्हाट आर देयर हॉरिबल प्रॉब्लम्स आर देयर, दैट शुड बी सॉल्व, इट शुड बी मोटो ऑफ द पीपल और मोटो ऑफ द कैंडिडेट हु इज बीइंग इलेक्टेड, हु इज बीइंग गिवन वोट। सो इस तरीके से हमारी ये सारी चुनाव की प्रक्रिया है वो इसके अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए। इसीलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हमें ये अनुव्रत लेना चाहिए कि हम किसी गलत व्यक्ति को जो है प्रलोभन के माध्यम के ऊपर वोट नहीं देंगे। किसी भी तरह का हमको प्रलोभन हम न तो लेंगे न प्रलोभन के आधार पर जो है हम वोट देंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम विचार करते करते बहुत गहरे चले गए थे। अब थोड़े समय के लिए हमारा जो है वो ब्रेक होना आवश्यक है, क्योंकि ब्रेक के माध्यम से हम जो है थोड़ा सा ताजगी महसूस करते हैं। इसे थोड़े समय का ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद पुनः आ जाओ। भाई और बहनों, हमने कुछ समय का ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद हमारा जो पुनः जो निर्धारित विषय है उस विषय के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा सुंदर विषय शुद्धिकरण का विषय है। शुद्धिकरण हर लेवल के ऊपर आवश्यक है। व्यक्ति का बाह्य शुद्धिकरण होना चाहिए, विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए, मौले का शुद्धिकरण होना चाहिए, समाज का शुद्धिकरण होना चाहिए। यस, क्योंकि ये कहा गया है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता ईश्वर को प्रिय है। जहाँ जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। कहने का अर्थ ये कि जहाँ शुद्धता होती है वहाँ अच्छे विचार पनपते हैं, वहाँ अच्छा वातावरण बनता है और उस वातावरण के अंदर जीने वाले व्यक्ति है सबको आनंद की अनुभूति होती है। आखिर हमारे हमने मनुष्य जीवन के रूप में जन्म लिया तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको आनंद की प्राप्ति करनी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये हमारी आवश्यक सुविधाएं तो व्यक्ति भी किसी तरीके से पूर्ति कर लेता है और बड़ा से बड़ा करोड़पति अरबपति भी बन सकता है, बड़ा से बड़ा पद को प्राप्त कर सकता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके भीतर आनंद नहीं है तो वो जीरो है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया आनंद को दिया गया है, सर्वोच्च स्थान दिया मेंटल पीस को दिया गया है। और ये हमारी मेंटल पीस और आनंद की अनुभूति कब होगी कि हमारा वातावरण अच्छा होगा। अगर जिस मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं वो मोहल्ला बदबू से भरा हुआ है या वो मोहल्ला शैतानों से भरा हुआ है, अपराधियों से भरा हुआ है, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर लूट होगी, खसोट होगी, गाली होगी, गलोच होगी, बदबू होगी और उस मोहल्ले के अंदर हमारे जो बच्चे हैं उन चीज़ों से प्रभावित होंगे। क्योंकि बच्चों का दिमाग होता है एक खुली पुस्तक की तरह होता है, खुली स्लेट की तरह होता है। बचपन के अंदर जैसे संस्कार भर दिए जाते हैं वो संस्कार आगे जाकर के फलवान होते हैं। तो हमें अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छे संस्कार बनाने के लिए हमारे घर को सुंदर बनाना होगा, हमारे मोहल्ले को सुंदर बनाना होगा और हमारे देश को सुंदर बनाना होगा, हमारे राज्य को सुंदर बनाना होगा। और ये सुंदर कब बना जाएगा? जबकि हमारे ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर करने वाले लोग हैं वो दूसरे नहीं हैं, वो लोग हमारे भीतर से ही जाते हैं, हमारी जनता से ही चयनित किए जाते हैं। इसीलिए आज चुनाव शुद्धि के एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे विनम्र
जो है वो निवेदन कर रहा हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पुनरुत्थान कार्यक्रम विकास करना चाहता है, पुनरुत्थान कार्यक्रम जागृति करना चाहता है, पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारे जो है मूल्य गिर गए हैं, हमारी सांस्कृतिक मूल्य उनको उठाना चाहता है। तो ये भी एक चुनाव अशुद्धि का मूल्य जो गिर गया है, उस मूल्य को उठाने के लिए, चेतना का जागरण करने के लिए मैं आपके सामने जो है पुरजोर के साथ के अंदर ही चुनाव शुद्धि के माध्यम से जो है मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के माध्यम से हमें एक समाज में वातावरण बनाना चाहिए। अब मैं जो क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम कुछ निष्कर्ष की ओर ध्यान देता है, सामाजिक उपयोगिता पर ध्यान देता है, तो चुनाव शुद्धि के मामले को हम जो है कसौटी पे कसना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर चुनाव शुद्धि होती है तो हमें क्या क्या फायदा है और चुनाव अशुद्धि होती है तो क्या क्या नुकसान होता है। चुनाव शुद्धि करने से सही व्यक्ति जो है जिनको टिकट मिलेगा, सही व्यक्तियों को हम वोट देंगे, सही व्यक्ति चयनित किए जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है एक नीम का पेड़ होता है, उसको सैकड़ों घड़ों से सींच लिया जाए तो उसका कड़वापन नहीं जाता है। और एक तरफ जो देखिए चंदन जो होता है तो उसके ऊपर कई भुजंग लिपटते रहते हैं लेकिन फिर भी है वो विष वाला नहीं होता है, उसकी सुगंध ऐसे कैसे बनी रहती है, यानी कि वो प्रभावित नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि सूरदास की काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग, यानी सज्जन व्यक्ति अपनी कभी सज्जनता नहीं छोड़ता, दुर्जन व्यक्ति अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। तो इसलिए हमने दुर्जन व्यक्ति को समाज से दूर रखना चाहिए, हमें सज्जन व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए, वोट देना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। ऐसे सज्जन व्यक्ति दुख दर्द को समझेंगे, दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे, जो दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है वही वास्तव के अंदर समाज सेवक है, समाज की सेवा करने वाला है। और सेवा में सेवा की स्पिरिट तभी आती है जब उसके अंदर परोपकार के संस्कार होते हैं, उसमें धार्मिक संस्कार होते हैं, उसमें आचार के संस्कार होते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है या मेरे जनता ने जो है मुझे जितना बड़ा सम्मान दिया है तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं भी जो है समाज की सेवा करूं। हमारे बड़े बड़े समाज सेवकों को आप देखिए, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया और उसके बाद के अंदर जितने जितने हमारे जो लोग हुए हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, भारत रत्नों के भारत को अवदान, जिसके अंदर 47 भारत रत्न अभी तक दिए जा चुके हैं देश की आज़ादी 70 वर्षों के अंदर। उनकी जीवनी को जो है मैंने उनको इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, जगह जगह से उनकी जीवनी है, उनकी डाटाज कलेक्ट करके एक पुस्तक का आकार दे करके ऐसी एक सुंदर सामग्री तैयार हुई है। उस सामग्री को पढ़ा जाए तो मालूम पड़ेगा कि वो लोग महान क्यों बने, कि उनके जीवन में सादगी थी, उनके जीवन के अंदर समाज को कुछ देने की तड़प थी, लेने की तड़प नहीं थी, उनके अंदर स्वयं को जो है धनवान बनाने की तड़प नहीं थी, स्वयं के अंदर पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं थी, वो तो एक सामान्य व्यक्ति रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उत्थान सर्वोदय करने की बात करते थे कि मेरा जीवन जो है समाज कल्याण के काम आवे, जगत कल्याण के काम आवे, इसी भावना से वो ओतप्रोत रहे और उनका निर्माण भी हुआ। वो बहुत ही जो कहना चाहिए गरीबी की अवस्था में हो गया, किसी का पहले प्रारंभ के अंदर बाप की मृत्यु हो गई, किसी की माता की मृत्यु हो गई, किसी को पढ़ने का चांस नहीं मिला, किसी के पास धन का अभाव रहा, किसी के पास में स्थान का अभाव रहा, यानी जिन जिन कोई भी बड़ा महान व्यक्ति करोड़पति अरबपति जो है उसको भारत रत्न नहीं मिला है और न ही वो इतना बड़ा कोई कार्य कर सकता। हालांकि जिसके पास धन होता है वो दान पुण्य करते ही हैं, टाटा है, बिड़ला है, बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, बिड़ला जी है, बांगड़ जी है, बहुत से करते हैं, वो वंदनीय है, स्तुत्य हैं, वो सब करते ही हैं। पर मेरा कहने का मतलब जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और वो समाज की सेवा में हर वक्त रत होता है वही इस चुनाव की प्रक्रिया के अंदर आता है और उसका पूरा 5 साल का पीरियड है दैट शुड बी डेडिकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ देयर पर्सन,
हु सेलेक्टेड देम, उसके जीवन में हर क्षण यह रहना चाहिए कि जो मेरा मेरी जो ताकत है वो जो 5 लाख लोगों के द्वारा चुना गया है या 10 लाख लोगों के द्वारा चुना गया है या हमारा प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के द्वारा चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया है, तो उसके दिमाग में यही रहना चाहिए कि मेरे पास में लोक शक्ति है तो मैं हर उस लोक शक्ति के आशाओं के अनुरूप खरा उतरूं। 24 आवर्स उसके मन के अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। ये सेवा की भावना कहाँ से आएगी? चुनाव शुद्धि ही एक रास्ता है, एक जरिया है जिसके माध्यम से आएगी, क्योंकि अगर चुनाव गलत हो गया तो ये गलत निर्णय हो जाएगा और गलत निर्णय के परिणाम भी गलत आते हैं। ऐसा है कि जैसा हम बोएंगे व्हाट विल यू शो दैट यू विल रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। इसीलिए सबसे पहले सही निर्णय करना बहुत जरूरी है। ये सही निर्णय का मतलब चुनाव शुद्धि है। हमें सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए और सही व्यक्ति जो है हमेशा सही कार्य करेगा और वो प्रारंभ हमारे से होगा, हम ही उसको आगे लाएंगे, हम ही उसको जिम्मेवारी देंगे और वो जिम्मेवारी के माध्यम से आगे बढ़ता जाएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अत्यंत भाग्यशाली है कि हमने एक ऐसे देश के अंदर जन्म लिया जो कि देश जो धर्म ये धर्म का देश है, ये आचार का देश है, ये शांति का देश है और वसुधैव कुटुंबकम का देश है, जहाँ पर सुंदर सुंदर बातों को स्थान दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, यहाँ व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, यहाँ पर किसी का शोषण नहीं किया जाता है, यहाँ पर किसी को दबाव में नहीं रखा जाता, हरेक को स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ में अनुशासन भी हमारे देश की विशेषता है। ये सारी हमारा अनुशासन और स्वतंत्रता है, हमारा जो उत्तरदायित्व और अधिकार है दोनों साथ साथ चलने चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सुंदर सुंदर विषय पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन जो है प्रसारित किए जाते हैं, जिससे कि हमारी मानसिकता बदलती है, हमारी जो अवेयरनेस बदलती है, जन जागरण होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन में आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों की सेवा करते रहें, परोपकार करते रहें, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।